हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शराब के अवैध कारोबार और जेल और बंद शराब माफिया पिहानी के ब्लॉक प्रमुख के पति और पूर्व ब्लॉक प्रमुख जेपी गुप्ता की काली कुचाई जिस समय की जाएगी। शराब माफिया और उन सब के परिजनों जरिए की गई काली कुचाई का ब्यौरा जुटाकर जिस समयतिकरण की कार्रवाई के लिए जिले के पुलिस अधीक्षक ने जिलाधिकारी के पास भेज दिया है। जिलाधिकारी के स्तर से अनुमति मिलते ही संपत्ति जिस समयत कर ली जाएगी। शराब के अवैध कारोबार से कुछ ही वर्ष और फर्श से अर्श पर पहुंचे जेपी गुप्ता को गत 14 जून को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले 11 जून को शहर कोतवाली क्षेत्र और हरियाणा और बिक्री के लिए अनुमन्य 220 पेटी शराब बरामद हुई थी। मौके से गिरफ्तार किए गए लोगों ने शराब माफिया जेपी गुप्ता के बारे और विस्तार से जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देना शुरू की थी और 3 दिन बाद ही जेपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद और उन पर गैंगस्टर लगा दिया गया था। अब जेपी गुप्ता की काली कुचाई पर भी शिकंजा कस गया है। पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र ने बताया कि जया प्रकाश गुप्ता और उन सब के परिजनों ने बड़े पैमाने पर चल अचल संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की है। एसपी की माने तो जेपी गुप्ता और उन सब के परिजनों जरिए आयकर विभाग और दाखिल किए गए रिटर्न के मुताबिक वर्ष 2008-09 से वर्ष 2015-16 के बीच 1,03,689 रुपये की आय घोषित की, जिस समय की इस अवधि और उन्होंने 3,95,50,436 रुपये की चल अचल संपत्ति खरीद ली। एसपी ने बताया कि काली कुचाई से खरीदी गई इस संपत्ति को जिस समय करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा को भेजी जाएगी रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने, काली कुचाई से चल अचल संपत्ति खरीदने की विस्तृत जांच के लिए पत्रावली आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा को भी भेजी जाएगी। इस दौरान अन्य बेनामी संपत्तियों का पता लगने की भी उम्मीद की जा रही है। शराब के अवैध कारोबार से कुछ ही वर्ष और फर्श से अर्श पर पहुंचे जेपी गुप्ता को गत 14 जून को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले 11 जून को शहर कोतवाली क्षेत्र और हरियाणा और बिक्री के लिए अनुमन्य 220 पेटी शराब बरामद हुई थी। मौके से गिरफ्तार किए गए लोगों ने शराब माफिया जेपी गुप्ता के बारे और विस्तार से जानकारी दी थी। इसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देना शुरू की थी और 3 दिन बाद ही जेपी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद और उन पर गैंगस्टर लगा दिया गया था। अब जेपी गुप्ता की काली कुचाई पर भी शिकंजा कस गया है। पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र ने बताया कि जया प्रकाश गुप्ता और उन सबके परिजनों ने बड़े पैमाने पर चल अचल संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की है। एसपी की माने तो जेपी गुप्ता और उन सबके परिजनों जरिए आयकर विभाग और दाखिल किए गए रिटर्न के मुताबिक वर्ष 2008-09 से वर्ष 2015-16 के बीच 1,03,689 रुपये की आय घोषित की, जिस समय की इस अवधि और उन्होंने 3,95,50,436 रुपये की चल अचल संपत्ति खरीद ली। एसपी ने बताया कि काली कुचाई से खरीदी गई इस संपत्ति को जिस समय करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा को भेजी जाएगी रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र ने बताया कि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने, काली कुचाई से चल अचल संपत्ति खरीदने की विस्तृत जांच के लिए पत्रावली आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा को भी भेजी जाएगी। इस दौरान अन्य बेनामी संपत्तियों का पता लगने की भी उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।